हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्यूआर कोड से रिलेटेड जानकारी को जानेंगे। फ्रेंड्स, क्यूआर कोड आर अ टाइप ऑफ बारकोड डेट कैन बी स्कैन्ड यूजिंग अ फ़ोन और अदर डिवाइसेस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। यानी कि क्यूआर कोड एक तरह का बारकोड होता है जिसे आप अपने फ़ोन या फिर और भी किसी डिवाइस के द्वारा स्कैन कर सकते हो। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, अ क्यूआर कोड इज़ अ टाइप ऑफ इमेज डेट कैन बी स्कैन विद अ फ़ोन और अदर डिवाइस टू टेक यू टू अ वेबसाइट और अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आप क्यूआर कोड को यूज करते हो तो क्यूआर कोड को यूज करने की वजह से आप किसी दूसरी वेबसाइट या दूसरे इंफॉर्मेशन आदि को विजिट कर सकते हो। आजकल आपने ऐसा देखा होगा कि यदि आप कोई भी साइट, कोई भी अच्छी जगह पर घूमने जाते हो तो वहाँ पर बार कोड लगे होते हैं और वो बोलते हैं कि आप इस बार कोड को स्कैन करके ही अपना टिकट बुक वगैरह कर सकते हो, आपको ऑफलाइन टिकट परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इनको विजिट करने के लिए क्यूआर कोड काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आगे अगर बात करें क्यूआर फुल फॉर्म कि आखिर क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों क्यू से होता है क्विक एंड आर से होता है रिस्पॉन्स। यानी कि क्यूआर का फुल फॉर्म बनता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक मतलब तेज़ी से और रिस्पॉन्स, अगर कुछ भी तेज़ी से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उसे क्यूआर कह देते हैं। तो इसी आधार पर क्यूआर का फुल फॉर्म भी बनाया गया है। थोड़ा सा और अगर डिटेल पे बात करें कि व्हाट इज़ क्यूआर, तो द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड इज़ अ क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये बात आपको पता है। अ क्यूआर कोड इज़ अ टाइप ऑफ अ बार कोड डेट कैन बी रीड क्विकली बाई स्मार्टफोन कैमरा। It is originally used in automotive industry, but people are starting to use them more often elsewhere because they are easy to read and store a lot of data. शुरुआत में जब QR कोड का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज हो रहा था, लेकिन इसकी ईजीनेस को देखते हुए लोगों ने भी इसका यूज करना शुरू कर दिया। आगे अगर बात करें तो QR कोड आर पैटर्न्स ऑफ इनविजिबल टेक्स्ट। QR कोड्स में जब आप QR कोड को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि इस यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है डेट हेल्प यू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, और उस पर प्रोडक्ट्स की जानकारी, हर एक प्रोडक्ट्स का अगर आप QR कोड बनाओगे तो अलग तरह का बनेगा। वेन यू स्कैन देम यू कैन सी ऑल द हिडन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। You can also find special text, URL और phone numbers hidden in QR codes. एक QR codes के अंदर आपको special text, URLs, phone number ये सब भी मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। The idea behind QR code was created a code that can't be read by humans but can be scanned by machine. तो QR code को बनाने के पीछे का idea ये था कि इसको humans तो नहीं समझ पाएं लेकिन मशीन इस कोड्स को स्कैन कर पाए। आगे अगर बात करें कि वाई इज़ क्यूआर कोड यूज्ड, क्यूआर कोड का यूज क्यों होता है, तो क्यूआर कोड्स आर स्पेशल कोड्स डेट कैन बी यूज्ड इन स्मार्टफोन्स टू अलाउ यू टू शेयर फोटोज। आप क्यूआर कोड की मदद से फोटोज शेयर कर सकते हो, वीडियोज एंड अदर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल, और दूसरे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें साझा कर सकते हो। क्यूआर कोड्स आर अ स्पेशल टाइप्स ऑफ बार कोड यूज टू ट्रैक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स इन अ सप्लाई चेन एंड एज अ रिजल्ट दे आर ऑफन यूज इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपन। मोर रिसेंटली क्यू आर कोड हैव बीन हेल्पफुल इन ट्रेसिंग कोरोना वायरस एक्सपोजर एंड स्लोइंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस। यानी कि क्यूआर कोड जो है बहुत ज़्यादा मददगार हुए हैं कोरोना वायरस एक्सपोजर, कितने केस वगैरह आ रहे हैं इन सब की स्टडी करने के लिए, सप्लाई चेन में, मार्केटिंग वगैरह में, एडवर्टाइजिंग कैंपेन वगैरह में क्यूआर कोड। और जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया हुआ था कि क्यूआर कोड का आजकल इस्तेमाल ऑनलाइन टिकट बुकिंग और इन सब चीज़ों में बहुत ही बेहतर तरीके से
हो रहा है। तो दोस्तों ये थी QR से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, आई होप सो आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।